खाने में आपको हमेशा बैठना होगा। हमारा फीस भरने का डेट आ चुका है और अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां ऐसी है जिसकी शादी रुकी हुई है ये सर्टिफिकेट न मिलने के चलते। नहीं नहीं, तोड़ फोड़ नहीं मचाना चाहिए, कुलपति के नाते आपको मैंने वहां पर बोला। मगध विश्वविद्यालय के छात्रों की बदहाली से कुलपति व सरकार आंख मूंद कर बैठी है। मगध विश्वविद्यालय के स्नातक एवं बीएड के छात्र 2 साल से अपनी लंबित रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। स्नातक पार्ट 2 सत्र 2018-21 व पार्ट 1 सत्र 2019-22 के साथ बीएड 2020-22 फर्स्ट ईयर का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने से छात्रों में नाराजगी है। आक्रोशी छात्र छात्राओं ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल और कुल सचिव डॉक्टर प्रोफेसर रवि प्रकाश बबलू का घेराव कर अपनी मांग रखी। विश्वविद्यालय में आपको हमेशा बैठना होगा, बैठना होगा, बैठना होगा। विश्वविद्यालय के चैंबर में आपको बैठना होगा, छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के अधिकारी बचने का बहाना ढूंढ रही है, उन्हें केवल आश्वासन दिया जा रहा है। छात्रों में परीक्षा का रिजल्ट व डिग्री की मांग को लेकर 45 दिन से अधिक भूख हड़ताल भी की। लिखित आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त कराया गया, लेकिन वह आश्वासन भी झूठा साबित हुआ। हमारी समस्या ये है कि हम लोग एक हफ्ते में थर्ड ईयर में प्रमोट होने वाले हैं। हमारा फीस भरने का डेट आ चुका है और अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हमारी समस्या ये है कि हम लोगों ने वोकेशनल कोर्स में एडमिशन लिया था क्योंकि हमारा 3 साल में करा देंगे ग्रेजुएशन, और यहाँ हमारा 2रा साल ख़त्म होने वाला, अभी तक फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आगे भविष्य अंधकार में है। मगध यूनिवर्सिटी में एडमिशन वोकेशनल कोर्स में इसीलिए लिया गया था, हम लोगों ने लिया था क्योंकि हम लोगों को पता चला था कि वोकेशनल में अगर आप 16,000 रुपये दोगे तो आपका परीक्षा समय से होगा, पर यहाँ उसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग करके रखी थी 5 साल की। 3 साल में हम लोग करेंगे ग्रेजुएशन और 2 साल में करेंगे MBA। मम्मी पापा ने 5 साल समय दे दिया कि चलो बेटा 5 साल तुम कर लो, 25 साल तक तुम अपनी पढ़ाई कम्प्लीट कर लो, 26 साल में तुम्हारी शादी करा देंगे। हम लोग का ग्रीवांश है कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है उस समय हो जाए ताकि किसी का कैरियर पर कोई दाग न लगे, किसी का कैरियर डिले ना हो, क्योंकि भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो फिर देश भी बर्बाद होगा, क्योंकि हम लोग भविष्य हैं इस देश का। और आज जो नारी सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो रहा है ये हमें बेबुनियाद लगता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कियाँ ऐसी है जिसकी शादी रुकी हुई है ये सर्टिफिकेट ना मिलने के चलते। लड़का से अगर शादी की बात करने गार्जियन जाते हैं तो कहता है कि आपकी बेटी ग्रेजुएट है कि नहीं, तो इस पर दोषी तो हमारी सरकार है और हमारे VC हैं, हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। VC मिल जाते हैं, VC अभी मिले 2 मिनट के लिए, लेकिन अब आश्वासन दिए हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद नहीं है, हम लोग को आशा है लेकिन नहीं भी है, क्योंकि बहुत बार आश्वासन दे चुके हैं। अरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज महिला शक्तिकरण यहाँ पे हमारा वो हो रहा है, लेकिन हमारी जितनी भी बच्चियाँ बहन जो भी हैं वो खुश नाराज़ है, एकदम नाराज़ है, और यहाँ पे हो रहा है प्रोग्राम महिला शक्तिकरण का। बताइए क्या वो महिला शक्तिकरण करके VC खुश हो जाएंगे? नहीं नहीं, तोड़ फोड़ नहीं मचाना चाहिए, कुलपति के नाते आपको मैंने वहाँ पर बोला कि परसों मेरी मुलाकात, मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ मगध विश्वविद्यालय की समस्याओं के लिए, मैं मिला हूं अपर सचिव दीपक प्रसाद जी से, और उन लोगों ने कहा है कि आप जा कर के जो भी समस्याएं हैं दूर करें। देखिए कुछ तो रिजल्ट इसलिए पेंडिंग रह गया क्योंकि विजिलेंस से कारण था, जिसको लिए बहुत राजभवन से हम लोगों ने परमिशन लेकर के अभी जो है उसका टेंडर करके उसको बुलाइए। इसके अलावा कुछ जो है आपको पता होना चाहिए कि डाटा जो है वो डाटा एक आदमी के पास है वो नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग सख्ती से पेश आएंगे कि वो डाटा दे दें, क्योंकि उन्हीं में उनकी बहनें या उनके भाई सभी का रिजल्ट रुका हुआ है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप डाटा दे दें जिससे कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट हो, और रिजल्ट के लिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक अभी एक जो सबसे बड़ी बात, एक लड़की ने बहुत अच्छा कहा कि जो पार्ट 1 का है तो मान ले के उसको पार्ट 2 में हम प्रमोट कर, पार्ट 2 को पार्ट 3 में प्रमोट कर देंगे, तो इस तरह से जो क्लासेज जो हैं वो मैंने चलते रहेंगे, पढ़ाई बाधक नहीं पड़ेगा परीक्षा के कारण। और हम और रजिस्ट्रार साहब कंट्रोलर साहब मिलकर के जो भी संभव होगा जल्द से जल्द परीक्षा करें। अपना भविष्य अंधकारमय देख अब छात्र का सब्र का बांध टूट गया है और छात्रों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक रूप लेती जा रही है। देशवा न्यूज के लिए गया से सुभाष। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं,
देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।